गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक अच्छे खासे ब्रेक के बाद आज आपकी क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, हम आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, टेंथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है आपकी केमिस्ट्री का जो टोटल वेटेज है ना साइंस के अंदर, वो 23 या 24 मार्क्स का है ना। उसमें से 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से, इस चैप्टर में से, ठीक है। आप खुद से सोचिए 23 24 में से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से। तो अच्छा खासा वेटेज ये लेके बैठा है ना, आपकी केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। एक लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बट बहुत आसान है, ठीक है। इसके अलावा ये केवल टेंथ में आपको काम नहीं आएगा, इलेवेंथ की केमिस्ट्री के जो बेसिक्स आपको मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। कहां से मिलेंगे? इस पर्टिकुलर चैप्टर से। किससे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल क्लासेस अच्छे से लेनी है और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाह रहा हूं, जैसे कि कार्बन और इसके कंपाउंड को केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच में स्टडी किया जाता है ना। अरे जैसे आप साइंस की ब्रांच निकाल के पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह से, उसी तरह आपकी जो केमिस्ट्री है इसको भी आगे क्लासिफाइड किया गया है। केमिस्ट्री को भी आगे बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे पोर्शन होते हैं केमिस्ट्री के। उसमें से कार्बन और उसके कंपाउंड की एक अलग केमिस्ट्री बनाई हुई है, एक अलग ब्रांच बनाई हुई है। कार्बन और उसके कंपाउंड के स्टडी के लिए हमने एक अलग ब्रांच बनाई हुई है केमिस्ट्री के अंदर, और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच, फिर से सुन लें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, उसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से पता होगी, ठीक है, फिर भी मैंने बता दी। अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर क्यों कहते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो समझिएगा इसको, है ना। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले, है ना, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम था उनका बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। एक फेमस साइंटिस्ट थे, है ना, केमिस्ट्री के अंदर। इनकी एक थ्योरी थी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी को हम किस नाम से पढ़ते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। इनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी क्या थी ये पढ़ेंगे, और उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने ऐसा बोला कि ये जो केमिस्ट्री है कार्बन के कंपाउंड्स की, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दो। क्यों कह दो? क्योंकि ये जो कंपाउंड है केवल किसमें पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर। आप इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने सुना? इन्होंने कहा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो केवल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पावर होती है, एक फोर्स होता है जो उन कंपाउंड्स को बनवाता है। आप लैब में इन कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, और ऐसे कंपाउंड को बर्जीलियस ने क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहा इन्होंने कि ये कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड केवल किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो कंपाउंड है उनको नाम क्या दे दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनकी केमिस्ट्री को क्या कह दिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी स्टडी जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम करने लगे उसको क्या कह दिया हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा किसने कहा? बर्जीलियस ने। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर हुआ होगा इतना? बहुत सीधी सी थ्योरी है बेटा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो केवल ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन नहीं, सभी लिविंग बींग्स की बात हम करेंगे, जो केवल लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस ब्रांच में उसकी स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री की,
जिस ब्रांच में कंपाउंड्स की हम स्टडी कर रहे हैं उन कंपाउंड्स को, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना क्लियर आपको हुआ होगा। अब आपको एग्जांपल दे दूं कौन से कंपाउंड हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सब किसके कंपाउंड है, कार्बन के, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं प्रोटीन्स हो गए, जैसे मैं बात करूं विटामिन्स हो गए, ठीक है, ये सब किसके कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसकी केमिस्ट्री को हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, पर इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये थ्योरी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चली, ठीक है, पहले यही माना जाता था, है ना, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चली। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वोहलर, क्या नाम था, वोहलर, उन्होंने पहला कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता था, ऐसा पहला कंपाउंड इन्होंने लैब में बना दिया, और उस कंपाउंड का नाम क्या था, यूरिया। ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है, क्या 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 कहा मैंने, फिर से सुने एक बार, मैंने कहा कि बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत किसने प्रूफ किया, वोहलर ने। कैसे प्रूफ किया गलत, अरे ये कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल किसमें पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में, यू कांट बी प्रिपेयर दीज कंपाउंड इन लेबोरेटरी, बट पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने लैब में बना दिया, वोहलर ने, कौन सा बना दिया, यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया वाज दी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन लेबोरेटरी, विच फॉर्म इन लेबोरेटरी, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया, किसने बनाया था, वोहलर ने, और ये थ्योरी गलत प्रूफ हो गई। अरे भाई ये कह रहा था कि एक भी नहीं बना सकते, इसने बना दिया, ठीक है। इसके बाद और साइंटिस्ट लोगों ने भी कोशिश की इन कंपाउंड्स को बनाने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की, और इसका रिजल्ट आज ये है कि एट प्रेजेंट मोर देन 10 लाख कंपाउंड हम लेबोरेटरी में बना चुके हैं। कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप अपने चारों तरफ देखें तो इन कंपाउंड्स को पाएंगे, अपने चारों तरफ देखें तो कार्बन के कंपाउंड्स को पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, क्लियर हो गई बात मेरी। जैसे मैं बात करूं इस मार्कर की, इंक की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर हो गई बात मेरी। सब लैब में बना सकते हो आप, जैसे आप ब्रश करते हो सुबह, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितनी भी प्लास्टिक्स आती हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आप अपने चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आज घिरे हुए हो, है ना। अब ये तब तो पॉसिबल होता नहीं अगर इस थ्योरी को हम मानते, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं बर्जीलियस की थ्योरी को सही मानूं, है ना, कह दूं कि बर्जीलियस की थ्योरी सही है, तो क्या पॉसिबल है इतने सारे कंपाउंड्स बनाना, नहीं, ठीक है। तो वोहलर ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया, और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इवन मोर देन 10 लाख कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लैब में प्रिपेयर किए जा चुके हैं, ठीक है। फिर सर इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म से थोड़ी ला रहे हैं, ये तो आप लैब में बना रहे हैं। बेटा नाम इतना फेमस हो गया, ये आज भी हम इसको क्या कहते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही, अरे कार्बन के कंपाउंड्स को उस टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रीजन से कहा था, ठीक है, बट वो नाम इतना फेमस हो गया कि आज भी हम उसको क्या कहते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई कि कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा क्यों, कि बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कंपाउंड्स केवल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर इस थ्योरी को गलत किसने प्रूफ किया, वोहलर ने। किसने प्रूफ किया गलत, वोहलर ने। इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया, यूरिया। और बेटा एक बार अगर शुरुआत हो जाती है किसी चीज के लिए डर लगता है ना, डर लगा मैंने कि किसी ने कहा गया ये चीज पॉसिबल नहीं है, है ना। और बर्जीलियस ने कहा, बर्जीलियस वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, है ना, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, तो इन्होंने कह दिया कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को, इसलिए कार्बन के कंपाउंड को आप क्या कह दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया कि वोहलर ने एक कंपाउंड बना दिया, यूरिया। अब एक बार अगर कोई मिथ टूट जाए तो उसके बाद उसको बार बार तोड़ा जाता है, है ना, मतलब
कुछ चीजें होती है ना, लगता है कि यार ये मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी ने पॉसिबल करके दिखाया, यूरिया बनाया है ना, पहला कंपाउंड बनाया, तो लोगों को लगने लगता है कि हम भी बना सकते हैं, है ना, जब उसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसका, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो आप लोग, है ना, 1975 के आसपास से क्रिकेट खेला जा रहा है, ODI 50 ओवर क्रिकेट 1975 के आसपास से खेला जा रहा है। ठीक है, अब 1975 से 2010 तक आ गया, वनडे क्रिकेट में एक भी डबल सेंचुरी नहीं थी, जानते हो ना सर, है ना, नहीं जानते सर, मैं बता देता हूँ, वनडे क्रिकेट में एक भी डबल सेंचुरी नहीं थी, मतलब किसी ने 200 नहीं किए थे, है ना, 2010 या 11 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, उसके बाद से काफी बल्लेबाजों ने, काफी बैट्समैन है जिन्होंने 200 कर लिए, अकेले 3 डबल सेंचुरी तो रोहित शर्मा ने मार दी, है ना, अपने रोहित शर्मा ने। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर एक बार हमें लग जाएगा ये चीज पॉसिबल है तो उस चीज को और भी लोग आसानी से कर लेते हैं। तो वॉलर ने फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर किया, उसके बाद और साइंटिस्ट लोगों ने भी अलग अलग कंपाउंड प्रिपेयर किया, और आज रिजल्ट ये है कि हम लेबोरेटरी में मोर देन 10 लाख कंपाउंड कार्बन के प्रिपेयर कर चुके हैं, जबकि बर्जीलियस ने कहा था कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कार्बन की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, बहुत लेंथी केमिस्ट्री है, 10 लाख कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना मजाक तो नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी अच्छी खासी केमिस्ट्री है ना, जिसको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ते भी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, है ना, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया इसके बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के बारे में, है ना, थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो दिया, आपको क्लियर हुआ होगा, आगे हम बात करते हैं थोड़ी और। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है ना, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो ये पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट, आपको पता है कितने एलिमेंट नोन है आज की डेट में, 180। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी ज्यादा हो गए हैं, है ना, तो जो NCERT लिखता है कितने लिखता है, 180, कि आज एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 180 हाइड्रोजन लिथियम वैसे करके कुल 118 एलिमेंट है, जिनमें से कुछ एलिमेंट हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, मतलब उनके बिना आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते कि लाइफ हो ही नहीं सकती, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, है ना, कि हमारी लाइफ उनके बिना पॉसिबल नहीं है, कार्बन उनमें से एक है ना, जैसे ऑक्सीजन एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएंगे, हाइड्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गई, उसी तरह से एक और एसेंशियल एलिमेंट, बहुत एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। ठीक है, आपने देख ही लिया कि कितना यूज है, बेटा डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं इसका। अभी मैंने आपसे कहा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने, बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं आपकी बॉडी में ऐसे। ठीक है, तो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला एलिमेंट है, सुबह से लेके शाम तक आप अपने डेली रूटीन में इस एलिमेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सुबह सुबह उठे ब्रश किया, वो जो ब्रश है वो किसकी बनी होती है, कार्बन के कंपाउंड्स की, कार्बन का पॉलीमर है, कपड़े पहने कार्बन का पॉलीमर है। ठीक है, आप अपना स्कूल बैग यूज करते हो, कार्बन का पॉलीमर है। ठीक है, आपका पेन कार्बन का पॉलीमर है, उसकी इंक कार्बन की पॉलीमर है, क्लियर होती है बात मेरी। ठीक है, आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सब उससे मिलते हैं आपको, सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, तो इसके बारे में, कार्बन के बारे में ये क्यों इतना एसेंशियल है, इसमें क्या ऐसी खास बातें हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, है ना। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहली बात या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या केवल कह दो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर बताओगे आप मुझे कितना होता है, कुछ छोटी छोटी बातें इसके बारे में हम कर रहे हैं, सर एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंबल क्या होता है इसका, अगर मैं कंप्लीट सिंबल की बात करूं तो 6C12 लिखना आता है ना ऐसे सिंबल आपको, है ना, ये 6 किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर को, है ना, एटॉमिक नंबर को, या आप कह सकते हो इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको अपन डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। अच्छा, मैं बात करूं ये 12 क्या है, तो 12 क्या है इसका, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, 12 इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6। क्लियर हो गई बात मेरी? मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बचपन में पढ़ी हुई चीजें सबको पता है ना, कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई थी। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 6। अब भाई जितने प्रोटॉन होंगे इसके न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं, जीरो चार्ज है। अब कब होगा जब प्रोटॉन किसके बराबर हो, इलेक्ट्रॉन के, तो सबको पता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कार्बन के बारे में। अच्छा, मैं बात करूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिगरेशन। और ये जो चीज है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये इसको बहुत स्पेशल एलिमेंट बनाती है ना, ये एक ऐसी चीज है जो इसको बहुत स्पेशल एलिमेंट बनाती है। मैं समझाऊंगा कैसे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2.4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2.4। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, चलिए इतना मैं मिटा रहा हूं। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि एटॉमिक नंबर 6, सिंबल 6C12, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4। चलिए तो आगे हम बात करें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सर ने बताया, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना बताया मैंने आपको, 2.4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बात ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कार्बन है, जो कार्बन है ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करेगा, है ना। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था क्लास में कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है ना, या वो एक्सेप्ट करता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, मैं बात करूं NaCl की, ठीक है। अब NaCl बनता कैसे है जानते हो, NaCl बनता कैसे, सर दो एलिमेंट से बनता है, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक है। अब जो जानता है वो ये बोलेगा, जो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो कहेगा कि सर NaCl कैसे बनता है कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, क्लोरीन, और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में नहीं आई सर बात, समझा दो। देखो NaCl के बनने का प्रोसेस सुनो, कैसे बनता है NaCl, आपको पता है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2.8.1, सबको पता है 11 नंबर पे आता है। अच्छा, इसका नेचर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ये क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में, यार एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है, निकाल देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बनाया, Na+। कोई दिक्कत वाली बात, अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 1+, जानते हो सब ये बात। अच्छा, अब मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का नेचर या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2.8.1, 2.8.1। ये क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में कि यार कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, ओ आई एम सॉरी 2.8.7, हम रियली सॉरी 2.8.7, ये क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब सोडियम ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन ने, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, कितना नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, तो इस पर चार्ज कितना आया, Cl-। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2.8.1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहां एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8। इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये जो निकाला था सोडियम ने, नेगेटिव आया, अब दोनों पर अपोजिट चार्ज आ गया, एक पर प्लस आया एक पर माइनस आया, रिपीट, एक पर प्लस आया एक पर माइनस आया, तो दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, अरे अपोजिट अट्रैक्ट, यूनिवर्सल थ्योरी है सब जानते हो, तो सोडियम और क्लोरीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा विच इज NaCl, सोडियम क्लोरीन। क्लियर होगी बात मेरी? एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, समझ में आया सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं MgCl2, ये कैसे बनता है, या मैं बात करूं MgO की, इसकी बात करता हूं ये कैसे बनता है ना, तो आपको पता है मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.2, ये अपनी जिंदगी से परेशान है, ये चाहता है दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जस्ट इमेजिन किसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और दो इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज कितना आया,
Mg2+, 2+ चार्ज आएगा, है ना। एक ऑक्सीजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्यों ले लिए? अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, 2.6। इसको अपना आउटर मोस्ट सेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब दो, हाँ है ना, सब दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए कहां से, मैग्नीशियम से, और क्या फॉर्म कर लिया, O2-, ठीक। और क्या बना दिया इसने, MgO। भाई एक पॉजिटिव चार्ज आए, एक नेगेटिव चार्ज आए, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, Mg। इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। क्यों कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक कंपाउंड बना है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या है एक्चुअली में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉन्ड जो बना है इनके बीच में, अरे ये दोनों जुड़े किससे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन चार्ज होने की वजह से, क्लियर है बात में। तो इसको हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है उसको हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्लियर होता है इतना। अब जो कार्बन है ना वो ऐसा नहीं कर सकता, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, आपको समझ में आया कि कंपाउंड कैसे बना, MgO कैसे बना, NaCl कैसे बना, या मैं बात करूं MgCl2 की, AlCl3 की, है ना, ये सब कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। बट कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे नहीं बन सकते, क्यों, सुनो ध्यान से बात करो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सर 2.4, ठीक है। अब कार्बन क्या चाहेगा, अपना आउटर मोस्ट पूरा करना चाहेगा, तो या तो ये चाहेगा कि ये चार इलेक्ट्रॉन निकाल ले, मतलब ये कार्बन है 2.4, ये चाहेगा कि ये चार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और इस सिचुएशन में इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, C4+, ये चाहेगा, ठीक है। या सर एक कंडीशन और हो सकती है, क्या कि सर ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहेगा, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4, ये चाहेगा कि कहीं से इसको चार इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये C4- बना देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2.8। इन दोनों में से एक चीज ये चाहेगा, या तो ये, या चाहेगा ये, क्लियर हुई बात मेरी। अगर ये चार इलेक्ट्रॉन लेकर कोई स्पीशीज बनाए तो ये होगी, है ना, आई एम सॉरी, ये होगी, और देकर बनाए तो कौन सी होगी, ये वाली। इसके पास दोनों चीजें हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये चार इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है पहले, ठीक है, मैं आपको एक बार समराइज कर रहा हूं इसको बस। बट कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना चार इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आयनिक बॉन्डिंग आपने पढ़ी थी, आयनिक बॉन्डिंग में आपने देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयनिक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। कार्बन मैंने बोर्ड पे तो लिख दिया कि ये चार इलेक्ट्रॉन दे दे या चार इलेक्ट्रॉन ले दे, बट एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। ना तो कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो चार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, ना ये टेंडेंसी होती है कि ये चार इलेक्ट्रॉन ले ले। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन सुनो ध्यान से कि क्यों कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन दे सकता ना चार इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्यों ऐसा नहीं कर सकता, सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे बहुत बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ना, जिंदगी भर काम आएगी। मैं बताऊं आपको, कई अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन क्यों चार इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता या दे नहीं सकता, है ना, ऐसे बॉन्डिंग नहीं कर सकता जैसे और एलिमेंट करते हैं, मैग्नीशियम जैसे करता है, ऑक्सीजन जैसे करता है, नाइट्रोजन जैसे करता है, है ना, ऐसी बॉन्डिंग नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से क्या है, सुनो, अब ये चार इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, सुनना। मान लीजिए मैं डायग्राम बना रहा हूं कार्बन का, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6, अल्दो हमें केवल किससे मतलब है, प्रोटॉन से। इसका फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, आता है सबको बनाना। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, ठीक, अच्छा। अब ये चार इलेक्ट्रॉन देगा तो C4+ बनाएगा, ये C4+ बनेगा कैसे, सुनो, पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहूं, सुनना ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहूं तो कुछ ऐसे होगा, C1+, और इसने निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, C1+ में से, है ना, C1+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला और इसने क्या बनाया, C2+, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल बनेगा सर, अरे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बना, फिर ये C+ है, C+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, C2+ बनेगा, ये भी निकल जाएगा,
फिर C2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा C3+, और फिर इसमें से C3+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या बनेगा C4+। ऐसे ही तो निकलेंगे बारी बारी से, एक साथ नहीं निकलते, एक एक करके निकलते हैं हम, ठीक है। तो पहले पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4। क्लियर? अच्छा, अब आपको एक बात मैं बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे कि आपने सारा इलेक्ट्रॉन निकल तो निकल जाएगा, नहीं है ना। अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है बट ऐसे ही नहीं निकालेगा, है ना, ये कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल तो दूंगा बट उसके बदले में मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। क्या कहा मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन केवल तभी निकालेगा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन केवल तभी निकालता है जब उसको एनर्जी मिले। जैसे मैंने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाया, Na+, ठीक है। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन मेरे कहने से थोड़ी निकाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसने तब निकाला जब इसके कॉन्टेक्ट में कौन आया, क्लोरीन। क्लोरीन ने इसको कुछ एनर्जी दी सोडियम को, उस एनर्जी के बदले में इसने क्लोरीन को क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, कैटायंस बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकल रहे, इसके बदले इनको कुछ क्या चाहिए, एनर्जी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कुछ एनर्जी लेकर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होते हैं उतनी ज्यादा हमें क्या देनी होती है, एनर्जी। आई रिपीट, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे उतनी ही आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। यहां कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी एनर्जी इसको कोई प्रोवाइड नहीं करा पाता, ठीक है, नहीं करा पाता, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। अगर ये चाहता है कि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मेरे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। अरे भाई, ऑक्टेट रूल को सब फॉलो करना चाहते हैं, है ना, ये भी फॉलो करना चाहता है, ये क्या चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और मेरा आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह फिल हो जाए या खाली हो जाए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केवल कितना रह जाएगा, 2, तो आउटर मोस्ट पूरी तरह फिल हो जाएगा, ठीक है। सब चाहते हैं ऐसा करना बट ये कर नहीं पाता, रीजन, उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी इसको कोई प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, ये नहीं करा पाता, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। अरे भाई, सीधी सी बात है, आपके घर में कबाड़ा है, कबाड़ा समझते हो ना, फालतू की चीजें पड़ी है ना, आपके घर में एक पुराना कूलर पड़ा है जो किसी काम का नहीं है, और भी बहुत सारा सामान आपने स्टोर रूम में भर रखा है ना, अखबार होते हैं, रद्दी पेपर होते हैं, सब भर रखे हैं स्टोर रूम में, क्या आप उनको फ्री में एनर्जी दे दोगे, ज्यादा कर दो नहीं देंगे, उसके बदले में भी वो कुछ पैसा चाहेंगे, है ना। वो कबाड़ी वाले अंकल आएंगे, उनको हम कुछ उनको उनसे हम कुछ पैसे लेंगे, तब वो चीज देंगे जो हम निकालना चाहते हैं। अब क्या कहा मैंने कि हम उस चीज को निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो निकल जाए, है ना, स्टोर रूम खाली हो हमारा, बट उसके बदले में भी हमें कुछ क्या चाहिए, पैसा। उसके बदले में पैसा मिल जाए तो क्या हुआ, है ना, बेकार की चीज के लिए भी पैसा मिल जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके काम के नहीं है, चाहता है निकालना बट उसके बदले में अकड़ है, अगले में उसके बदले में भी क्या मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है, मेरे को एनर्जी चाहिए, और इतनी ज्यादा एनर्जी इसको कोई प्रोवाइड नहीं करा पाता, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहां खत्म हो जाता है कि ये C4+ बना है। रीजन क्या कि इसको इतनी एनर्जी कोई भी प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो भैया इसकी अकड़ है, ये C4+ नहीं बनाता। तो सर कोई बात नहीं, C4- बना लेगा, दिक्कत कहां आ रही है, तो फिर से देखो एक बार C4- के बारे में। देखो, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटोन और 6 न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की कोई जरूरत नहीं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। अब इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन भी 1 by 1 ही आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन 1 by 1 निकलते हैं ऐसे ही आते हैं। इसको किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, मान लो किसी एलिमेंट ने दिया, सोडियम ने दिया, किसी दूसरे एलिमेंट ने दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जाते टाइम इस पर 2 तरह के फोर्स वर्क करेंगे, बेसिक बहुत जरूरी है आपको आना है समझने के लिए। मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंच जाएगा जब 2 तरह के फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से, एक तो प्रोटॉन का फोर्स, भाई ये प्रोटॉन क्या कहेगा इस इलेक्ट्रॉन से, आजा भाई आजा, हम ले लेते हैं तेरे को, आजा जल्दी से आजा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट होगा ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स। अरे न्यूक्लियस में कौन सा
चार्ज होता है पॉजिटिव, है ना, प्रोटॉन की वजह से। तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे कौन, ये छह प्रोटॉन, बट इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन भी लगेगा, किसका, इन इलेक्ट्रॉन्स का। जरा ध्यान से देखो, यहाँ एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, ये चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना ये नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया सेम चार्ज रिपल्शन लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज नेगेटिव, इनके चार्ज भी नेगेटिव, तो यहाँ रिपल्शन भी लगेगा इस इलेक्ट्रॉन का, अट्रैक्शन भी लगेगा रिपल्शन भी लगेगा, ठीक है, बट ज्यादा क्या सर, अट्रैक्शन, छह प्रोटोन है चार ही इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया जाएगा, क्लियर। पांच इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पांच इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या बन गया, सी माइनस, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ओवरऑल तो चार चाहिए ना, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही कहानी, छह प्रोटोन अट्रैक्शन लगाएंगे बट अब रिपल्शन कितने इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं, क्लियर हो गई बात मेरी। लेकिन अभी भी प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो इसको बुला लेते हैं, हम कह देते हैं कि ये भी आ जाएगा, क्लियर। अब दो आ गए, दो आ गए तो क्या बन गया, सी टू माइनस, ठीक है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया और इस तीसरे इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन अट्रैक्शन लगा रहे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे, छह प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे, छह इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे। हम मान लेते हैं कि ये वाला भी किसी तरह यहां पहुंच गया, मान लेते हैं कि ये वाला भी यहां किसी तरह पहुंच गया, ठीक है। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा सोचो, सात इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन लगा रहे, सात हो गए ना, एक दो तीन चार पांच छह सात, और छह प्रोटॉन अट्रैक्शन लगा रहे, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये सातों इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। अब कार्बन क्या कहेगा कि आओ तो चारों आओ, तीन का क्या करूं, अरे भैया अगर तीन इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं तो ये बनाएगा 2.7, कोई फायदा नहीं है ना, मुझे तो क्या बनाना था 2.8, क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन भी लेके ये कुछ नहीं करेगा, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब समस्या ये है कि सर ना तो चार ले ना तो चार दे, कि आपने कह दिया ना तो ले सकता है ना दे सकता है, ठीक है। तो सर बेचारा कार्बन करेगा, ठीक है। तो कार्बन अपने कंपाउंड बनाने के लिए या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक अलग तरह की बॉन्डिंग करता है जो कि इसे बहुत स्पेशल बनाती है, और ये बॉन्डिंग कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। एक अलग तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग से अलग बॉन्डिंग करता है, अलग तरह की बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को हम किस नाम से पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना, किस तरह होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लें, है ना, मैं आपको बता दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, उसका आगे बड़ा फॉर्म हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो वो समझ में नहीं आएगा अगर आज की क्लास समझ में नहीं आती है तो, है ना, एक आसान लेक्चर था, है ना, इतना सब आपने शायद नाइन्थ क्लास में भी पढ़ लिया होगा, है ना, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। इतना ध्यान रखना है कि कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना चार इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। ये समरी है आज के लेक्चर की, अगर मैं कहूँ एक लाइन में, ठीक है। तो पढ़ाई करें, ठीक है, अच्छे से, थैंक यू।